सी आ रहा होगा। गुड मॉर्निंग एट लास्ट मीडियम, क्या आपकी एसएसटी की क्लास है और एसएसटी की क्लास में आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम आपको बता रहे थे कि ब्रिटिश शक्ति का भारत में कैसे उदय हुआ। तो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार स्टार्ट हुआ था आपका 1805 से शुरू हुआ और 1856 ईस्वी तक गया। इसमें जो है आपको हम आज पढ़ाएंगे अफगानिस्तान को जो है किस तरीके से उन लोगों ने अपने कब्जे में लिया, कैसे वहां का युद्ध स्टार्ट हुआ। तो जो लॉर्ड ऑकलैंड था 1836 में जब अंग्रेज जो है रूस द्वारा भारत पर आक्रमण करने का उनको जब आज है भय था, तो उन्होंने क्या किया कि जो शाहजहां का दोस्त मोहम्मद के स्थान पर उसने अफगानिस्तान के उसके सिंहासन से बैठाने को सोचा। उसके बाद उसे जो है अपनी कठपुतली बनाकर अंग्रेजों ने काबुल, कंधार और गजनी को अधिकार करके दोस्त मोहम्मद को कैद कर लिया तथा शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। फिर क्या किया, अकबर खान ने दोस्त मोहम्मद खान के पुत्र 1842 में उसने विद्रोह किया, इसके कारण अंग्रेजी सेना को जो है फिर क्या हुआ अफगानिस्तान से भागना पड़ा। लेकिन लॉर्ड एलनबरो को जो है 1842 में जब आयरलैंड का गवर्नर जनरल बनाया गया तो अफगानिस्तान में सेना भेजकर उसने आक्रमण कर दिया काबुल तथा गजनी पर, फिर से अंग्रेजों का जो है उसने जो है काबुल और गजनी में फिर से अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। शाहजहां जो था युद्ध में मारा गया और ब्रिटिश सेनाएं जो है दोस्त मोहम्मद को जो है फिर से पुनः वापस जो है उन्होंने क्या किया जो है सिंहासन पर बैठा करके और वो लौट आए। उसके बाद क्या हुआ, देखिए उनको जो है वर्मा से युद्ध का भय था, तो जो वर्मा का युद्ध हुआ था वो 1824 में 1852 यानी 1824 में हुआ था और ये जो है दो मत जो है वर्मा के बीच युद्ध हुए थे, एक 1824 में और एक 1832 में। तो पहला जो वर्मा युद्ध था वो 1822 में असम पर अधिकार किया, फिर उसके बाद 32 में चटगांव के निकट एक द्वीप पर जो है उन्होंने आक्रमण कर दिया जो अंग्रेजों का था। इसलिए 1824 में लॉर्ड एमहर्स्ट ने वर्मा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, जब उन्होंने उसके अंग्रेजों के द्वीप को जीत लिया तो एमहर्स्ट ने जो है युद्ध की घोषणा कर दी उसके खिलाफ, जिसमें वर्मा की पराजय हुई। 1826 में यामदाबू संधि के आधार पर बर्मी असम से चले गए। फिर क्या हुआ, मणिपुर की स्वतंत्रता को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर युद्ध की भरपाई के रूप में अंग्रेजों को बर्मियों ने तनासिरम एवं अराकान प्रांत तथा भारी धनराशि दी। उसके बाद वर्मा में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी उन्होंने रखा। फिर दूसरा युद्ध जो था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुआ, ये जो बर्मा जो युद्ध लड़ा था दक्षिणी बर्मा के तट पर बसी हुई अंग्रेज व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने बर्मा के प्रमुख नगरों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और ब्रिटिश राज्य में बर्मा के पिंगू प्रांत की जो था उसको भी अपनी ओर मिला लिया। उसके बाद जो है निकटवर्ती सभी क्षेत्रों को मिला करके जो निचला बर्मा था वो नामक एक नवीन प्रांत बनाया गया जिसकी राजधानी जो है रंगून बनाई गई। फिर आंग्ल और नेपाल युद्ध हुआ, मराठों को हराने से अंग्रेजों का नेपाल से भी संघर्ष हो गया था। नेपाल के शक्तिशाली गोरखों द्वारा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र को हथियाने के कारण ब्रिटिश भारत का हित प्रभावित हुआ, जिस कारण आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 ईस्वी में और 1816 ईस्वी में जो है जरूरी हो गया। ये अंग्रेज शुरू से अंग्रेजों की हार हुई, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि जो गोरखा नेता अमर सिंह था वो पराजित हो गया और 1816 में सगौली की जो है संधि हो गई, जिसमें जो हस्ताक्षर किए गए तो उसमें क्या हुआ कि इस संधि में जो है गढ़वाल कुमायूं अंग्रेजों को दे दिए गए, जिससे अंग्रेजों के राज्यों का विस्तार अब जो है उत्तर पश्चिम के पहाड़ों तक हो गया। फिर गोरखा के पूरब में स्थित सिक्किम को भी उन्होंने ले लिया, ब्रिटिश द्वारा संरक्षित राज्य बनाया गया। काठमांडू में गोरखा ने एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना भी स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश और भारत नेपाल संबंध जो 1816 में कायम हुए थे आज तक चले आ रहे हैं। भारतीय सेना में बड़ी संख्या में जो है उन्होंने क्या किया गोरखों को भर्ती कर लिया, ठीक है। अगला है भारतीय राज्यों के
क्या कारण थे? इसके जो कारण थे वो लंबे समय तक जो है सबसे ज्यादा तो मुस्लिम शासन रहा, जिससे बाहरी दुनिया के संपर्क होने के कारण ही भारत की जो सामाजिक दशा थी 1700 ईस्वी से लेकर 1850 के बीच में इतनी कष्टप्रद हो गई थी कि मुगल जो है साम्राज्य का पतन हो गया, विदेशी शक्तियां जो है स्वार्थपूर्ण गतिविधियों में जो है लिप्त हो गई और भारत जो है अनेक छोटे छोटे राज्यों में बढ़ता चला गया। इसके बाद क्या हुआ कि एकता और केंद्रीय शक्ति के अभाव था, इसलिए विदेशी शक्तियों ने भारत की जो कमजोरी थी उसका इतना लाभ उठाया कि अपनी शक्ति का पूरा विकास भारत में कर लिया। इसके बाद उन्होंने जो है क्या कहते हैं लॉर्ड हार्डिंग ने पश्चात जो लॉर्ड हार्डिंग सबसे बड़ा अधिग्रहणवादी था, कुछ क्षेत्रों का ग्रहण के लिए केवल विजय ही नहीं बरल विलय नीति का भी उन्होंने सहारा लिया, जिसमें आपका झांसी जयपुर भगत उदयपुर सतारा ये सारे जो है अधिग्रहण कर लिए उन्होंने, विलय का सहारा लेकर के उन्होंने बराबर कर दिया। इसके बाद अवध बरार को अधिग्रहण का और कुशासन का आरोप लगा करके जो है विलय कर दिया। तंजौर और कर्नाटक राज्यों को अधिग्रहण करने के वहां शासकों के लिए उपाधियों के लिए जो है और पेंशनों की जो है समाप्ति कर दी। इसके बाद जो कंपनी का प्रशासन था वो पूरी तरीके से फैलता चला गया। ठीक है, अब आपको हम कंपनी के प्रशासन के बारे में कल पढ़ाएंगे। आज की लाइव की क्लास में इतना ही, आपके एसएसटी की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच एट क्लास हिंदी मीडियम। और आपके टेस्ट शुरू होने वाले हैं, इसलिए आप लोग टेस्ट की तैयारी कीजिए अच्छे से, जितना चैप्टर आप डन कर चुके उसकी तैयारी कीजिए। और अब आपको मैथ पढ़ाएंगे सर जी, तो आप लोग मैथ की कॉपी बुक ओपन कर लीजिए। थैंक यू सो मच एट क्लास हिंदी मीडियम। गुड आफ्टरनून बच्चों, ये आपका चैप्टर 3.6 चल रहा था, ये फिनिश भी हो गया था। आज मैं आप लोगों को वर्ण बत्ती जनन के बारे में बताएंगे। ये लंब वृत्तीय बेलन, बेलन ये आपका बेलन है, तो इसमें जो है लंबवती बेलन का आयतन में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सेंटर है, यही सेंटर है, इसको मिला लेते हैं और यहां से इसकी ऊंचाई x हो गई, ये r हो गई, तो लंबवती बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, लंबवती बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। संपूर्ण पृष्ठ जो होता है बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों समतलों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल। बेलन का आपको निकालना ही है, तो समतल के दोनों सिराएं दी है इनका भी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें अगर 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एच प्लस आर, तो ये संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हो गया कि 2 पाई आर एच प्लस आर। इसमें आपको क्वेश्चन लगाने इसी पे। अब इसमें ध्यान दीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एच।
वक्र पृष्ठ हो या संपूर्ण पृष्ठ हो, इसकी इकाई वर्ग इकाई होती है, सिर्फ आयतन में जो होती है वो घन इकाई होती है। इतना ध्यान रखना बच्चों, ये आयतन जो है वॉल्यूम, ये आपका घन में होता है, और संपूर्ण पृष्ठ हो, वक्र पृष्ठ हो, एरिया हो, ये सभी आपके वर्ग इकाई में आता है। अब यहाँ पे फर्स्ट ए देखें, क्वेश्चन नंबर वन का एक पार्ट, ए पार्ट जो दे रखा है, आर त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर और एच भी 7 सेंटीमीटर दी है। वक्र प्रश्न पूछता है बेलन का वक्र प्लस बराबर 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पर दिया 2 पाई आर एच, वर्ग कर दे 2×22/7, आर 7 दिया है, एच 7 दिया है, 7 से 7 कट जाएगा, 22×44×7 सेंटीमीटर है, तो वर्ग सेंटीमीटर होगा। उसको गुणा करेंगे 728, 2×7=28 तो 30, 308 वर्ग सेंटीमीटर, ये बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया। अब आपको संपूर्ण पृष्ठ अगर निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर में एच प्लस आर, इसको हल कर लें, 2×22×7 कट जाएगा, 22×44×7=14 वर्ग सेंटीमीटर, गुणा कर दें 1456 5 8 और 1456 और 5 61 616 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आ गया संपूर्ण पृष्ठ। तीसरी चीज पूछता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू रखेंगे 22×7, आर 7 स्क्वायर एच 2 बार लिखेंगे, एच भी 7 है, तो 7 से 7 कट गया, तो 22×7=49, यदि 22×49 की गुणा करेंगे, लेकिन इसकी जो है घन सेंटीमीटर आएगा, घन सेंटीमीटर, 22×49 9×18 1 हासिल 9×18 19 4×8 4×8 8 9×17 8×9=10 10678 घन सेंटीमीटर। ये आपके पहला पार्ट मैंने बताया, अब आपका दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट इसी तरीके दिया है। ये जो आप लोग जो है हल करेंगे, दूसरे में आर दिया है, आयतन दिया है, फॉर्मूला एक पाई आर स्क्वायर एच रख देंगे, पाई का मान 22/7 रख देंगे, आयतन दिया हुआ है और आपका जो है आर दिया है 7, तो इससे एच की वैल्यू आएगी, अगर फॉर्मूले में रखेंगे तो एच की वैल्यू आएगी, जब एच आ जाएगा तो इसी तरीके जैसे मैंने लगाया वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, एच दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ दिया है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πrh, वक्र पृष्ठ दिया है 1320, एच दिया है, पाई का मान 22/7, इसको हल कर लेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी, आर और एच की वैल्यू रखेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ और आयतन आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, बी और सी इसी तरीके से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर जो 2 दे रखा है,
एक लंबवती बेलन का आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन बताओ। तो बेलन का आयतन अगर पूछता है, बेलन का आयतन मैंने बताया पाई आर स्क्वायर रूट होता है, तो पाई आर स्क्वायर को हम बोलते हैं आधार का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर जो बोल रहा है इसको हिंदी में बोलते हैं आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये आधार का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ऊंचाई एक होती है, तो इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन हिंदी में दिया है तो आधार का क्षेत्रफल 100 दिया है, ऊंचाई 10 दी है, और आयतन मैंने बताया कि घन में होती है, घन इकाई होती है, सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे आपका हो गया 1000 घन सेंटीमीटर। इसलिए क्वेश्चन नंबर एक के सभी पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर दो करेंगे, पिछला वर्ग जितना दिया है वो करें। बार बार कहता हूं मैं, कॉपी आप लोग बना के चेक कराएं। अगले हफ्ते में आपके टेस्ट होने वाले हैं, इसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम होगा। फीस के बारे में बताया जाता है 3 महीने की छूट चल रही है, स्कूल जाकर आप लोग संपर्क करें, फीस भी जमा करें, कॉपी भी चेक करें, इसी पे आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगा। थैंक्स।